फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे मेन पार्ट होता है फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन में क्या करते हैं, हम जो स्टेटमेंट्स या कोड लिखते हैं तो वो हम कहीं भी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। उसका टेक्निकल डेफिनेशन होता है, फंक्शन इज यूज फॉर राइटिंग अ बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक मतलब आपका कोड जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो प्रोसेस होके आपको डिजायर रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं आप, आपको फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, उसके बाद में पैरेंथेसिस, फंक्शन का नाम लिखकर आपको पैरेंथेसिस देना है, फिर कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपको आपके फंक्शन की डेफिनेशन लिखना है। फंक्शन डेफिनेशन मतलब आपका कोड जो कि एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं आप, फिर उसके बाद में आपको उस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बहुत मोर इन फंक्शंस भी देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ फंक्शन के नाम से, function.html, ठीक है। ये फाइल मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे html head के अंदर टाइटल दे देता हूँ मैं, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो हमारा टाइटल डन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक मेटा टैग लिख लेता हूँ ताकि हमको ब्राउजर पे कुछ इंफॉर्मेशन शो ना करे हो मेटा की। इसमें कैरेक्टर सेट UTF-8, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम हमारा स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे ताकि जावास्क्रिप्ट का कोड हम उसमें लिख सकें। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग परफेक्टली आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन के लिए आपको पहले क्या करना है, फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करना है। तो आप लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। अब आपको फंक्शन का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक ग्रीट करके, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस। तो अभी एक फंक्शन बन चुका है। अब क्या करना है, आपको कर्ली ब्रेसिस यूज करना है और इसके अंदर जो रहेगा आपका बिजनेस लॉजिक रहेगा, यानी कि आपका कोड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आउटपुट, आउटपुट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग मैंने लिख लिया। अब इसे मैं प्रिंट करा देता हूँ console.logoff आउटपुट, हम आउटपुट को इसमें प्रिंट करा देंगे। अब अगर आप ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने अब क्या किया है, इसमें पहले फंक्शन कीवर्ड के थ्रू एक फंक्शन ग्रीट नाम का क्रिएट किया है, उसके बाद में ये है उसकी डेफिनेशन। अब ये फंक्शन जब तक नहीं चलेगा जब तक हम उसे कॉल नहीं करते, तो आपको यहाँ पे नीचे से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रीट और पैरेंथेसिस और सेमी कोलन। तो ये हमारा परफेक्टली एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, फाइल में आके सेव कर लेंगे, राइट क्लिक, और कोई भी ब्राउजर में आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स के थ्रू इसे ओपन किया, तो राइट क्लिक करूँगा मैं क्योंकि कंसोल पे प्रिंट है, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट और यहाँ पे कंसोल पे चेक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे गुड इवनिंग हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है, मतलब फंक्शन कॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दूँ, वापस से सेव करता हूँ, तो देखिए अब क्या होता है, देखिए कुछ भी आउटपुट आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन वो तभी चलेगा जब आप उसे कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। अगर मैं पैरेंथेसिस भूल जाता हूँ तो क्या होगा, चलिए वो भी करके देखते हैं। तो फाइल में आके सेव कर लेता हूँ और वापस से ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए कुछ भी आउटपुट नज़र नहीं आएगा। तो आपको फंक्शन कॉल के टाइम पे पूरा फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है।